नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक ये पेशेंट है हमारे। कहाँ से आए आप? जिला बदायूं से। और आपकी दवाई कितने दिन हो गए चलते हुए? दो महीने हुए। तीसरे महीने की आप लेने आए हो जी। अब आप ये बताइए, आपके जो इनकी नसें सूखी, मैं आपको बता दूं, इनकी नसें सूखी हुई है दिमाग की, और इनके जो सिम्टम्स थे कितने परसेंट ठीक हो गए? 30-35% सही हो गए। अब क्या क्या प्रॉब्लम थी आपकी? ये नींद नहीं आती थी बिल्कुल। हाँ। और मुझसे बैठा भी नहीं जाता था। ठीक है। और ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त बुखार सा चढ़ा हुआ है। अच्छा। शरीर में लेट जा, थक गई बहुत ज्यादा। चक्कर आना? हाँ, चक्कर आते थे, एकदम से चक्कर आ गए। और गिरती भी नहीं थी और उल्टी भी नहीं आती थी, चक्कर से अंधेरा भी नहीं आता था, ऐसा लगता था घूम गई मैं और फिर संभल गई अपने। झटका आना। और याददाश्त में प्रॉब्लम थी? हाँ, वो कम थी थोड़ी, मगर का नाम है अब उससे जैसे पहले से और सही हो गई वो। ठीक है। पैरों में आप बता रहे थे क्या प्रॉब्लम थी? अब ये पैरों में मेरे जैसे पहले भी रहा करती थी झंझनाट, तो ये अभी बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी, खत्म। अब ये थोड़ी थोड़ी मेरे फिर चालू हो गई झंझनाट, जब मैं बाथरूम जाती हूँ टॉयलेट और जब करके निकलती हूँ ना, तो इसमें ऐसा लगता है चीटिंग काट रही है तलवों में, और ऐसा लगता है कि मसल लो इन्हें, जैसे सुकून मिल गया। ये प्रॉब्लम है पैरों। और कोई प्रॉब्लम अभी आपकी ठीक है? प्रॉब्लम पैरों की तो है अभी थोड़ी है। आपके 30-35% आपको फायदा हुआ है? चक्कर वगैरह जैसे आना या आंखों में? हाँ, आंखों में आप बता रहे थे। हाँ, आंखें अब ये आंख से अभी ऐसा ही नहीं लगता, जैसे पलक चलता है तो है, ये ऐसे चलेगा। हाँ। हिलेगा मालूम देता है मुझे, मगर मुझे खुद को महसूस नहीं होता है ये चल ले आ, इधर का चलता। इनका जो है जो सिम्टम से, जैसे जब नसें सूख जाती हैं तो इनका चेहरे पे क्या है कि आंखें जो हैं, जब ये पलक को ऊपर नीचे करते तो इनको महसूस नहीं होता, एक तरफ का, एक साइड, नाक से भी ऐसा नहीं लगता है सूंघा। हाँ। या सांस आई, कान से भी ऐसा नहीं लगता है, सुनाई तो देता है मगर मुझे नहीं लगता है कि मैं सुन पा रही हूँ। जब मैं कान दूसरा बंद करके सुनती हूँ तब लगता है कि हाँ इसे सुनाई दे रही है। ये पूरे इतने हिस्से में, पूरे में। तो इनके जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स थे जो दिमाग की नसें सूखने पर जो इनके सिम्टम्स आए थे, पैरों में और चक्कर आना, झटका लगना, और आँखों में इनका भी सिम्टम्स थोड़ा बाकी है जो इनको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनके सिम्टम्स जो हैं 35% अब तक ठीक हो चुके हैं। दो महीने की इन्होंने दवाई खाई है, अब आप तीसरे महीने के लेने आए हो, है ना जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शाहीन डी। शाहीन नाम है इनका, और ये बदायूं से आते हैं। बदायूं के पास एक गांव है, और क्या गांव? शेखोपुर। ठीक है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इनको 35% लाभ हो गया है, और अब हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि आप वीडियो बना के डालें ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट जो है कैसे ठीक होते हैं और कब हमें फ़ायदा होगा। तो बहुत लोगों के यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम कब ठीक होंगे, क्योंकि ये बीमारी जो है इसका इलाज कोई पूरी दुनिया में नहीं है। जब दिमाग की नसें सूख जाती हैं तो इसमें सिम्टम्स एलोपैथिक में तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही होम्योपैथिक में है। अब मैं वीडियो समाप्त करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि आपने काफ़ी हमारे दिमाग की वीडियो देखी होंगी, जैसे कि परहेज़ जो हम हर वीडियो में बताते हैं, और बहुत लोग इसमें फ़ायदा उठाते हैं और बहुत प्रॉब्लम्स उनकी ठीक हो जाती हैं। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हल्का सर में दर्द रहना या हल्की ब्लॉकेज वगैरह नसों में, तो हम उसमें जो परहेज़ बताते हैं, घरेलू उपाय बताते हैं, तो बहुत लोग ठीक हुए हैं। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि ये एक अलग प्रकार की वीडियो है जिसमें
ENT डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। जो मैं सिम्टम्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिम्टम्स हैं, यूस्टेशियन ट्यूब होती है एक, जो ये क्या होती है, ये बंद हो जाती है एक तरीके से, इसमें हवा का रुक जाना, और ये खुल जाती है जब आप नाक से प्रेशर लेते हैं, नाक को दबा के आप हवा भरते हैं, तो कान इसमें क्या होते हैं, बंद भी हो जाते हैं, और जब आप इसको दबाते हैं नाक को और इसमें आप क्या करते हैं, हवा भरते हैं मुंह को और नाक को बंद करके, तो कान खुल जाते हैं, नहीं तो इसमें क्या होता है, कान बंद हो जाते हैं। इस ट्यूब का नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। जो प्रॉब्लम्स इसमें आती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी एंटी डॉक्टर के पास या किसी भी दिमाग वाले डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, तो वो कहेंगे कि इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती। कोई भी डॉक्टर आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो आपको कोई दवाई देना चाहेंगे तो उसमें आपको कोई लाभ तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उनको खुद को ही ये मालूम नहीं होता कि ये सिम्टम्स भी सर के अंदर आते हैं या नहीं, उनको ये भी मालूम नहीं होता। किसी भी आप न्यूरो सर्जन के पास चले जाएं या किसी भी आप ENT वाले के पास चले जाएं, क्योंकि इसका संबंध जो होता है सर से और कान से होता है। अब मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, ये सिम्टम्स क्या आता है। तो सिम्टम्स इसमें क्या आता है, जैसे कि सर में हवा भर जाना, और इसमें क्या होता है, सिर में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है। अगर आप कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आप किसी चीज़ का काम कर रहे हैं आप दिमाग के संबंधित, तो उसमें क्या होगा, आपकी नसें जो हैं ये फटने के लिए तैयार रहेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये नसें फट ना जाएं। तो इसमें क्या होता है, जब हवा ज़्यादा बढ़ जाती है सर के अंदर, तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है, ये जो है आपका प्रेशर इसमें आता है, तो ये एक तरीके से अकड़ जाती है, नस जो होती है ये एक तरीके से एक काफ़ी मोटी, एक तरीके से मोटी पाइप ले लीजिए, नस होती है ये, जैसे कि एक आपके जैसे कान में को जैसे जाएगी इसकी हवा, तो इसमें आपको दर्द भी होगा, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत होता है, कान में भी प्रेशर आ जाता है। एक हल्का सा एक मोटी नस होती है ये, जो कि ये यूस्टेशियन ट्यूब होती है, ट्यूब बोलते हैं इसको, जिसमें से ये हवा आराम से बाहर भी आ जाती है, सबको ये सिम्टम्स होते हैं, और आराम से निकल भी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको ये प्रॉब्लम अगर ऐसी आ रही है सिम्टम्स, जैसे कि हवा आराम से जा रही है निकल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये आपकी बंद हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, आपके सर में हवा भर जाती है, कानों में आपका बहुत तेज़ी के साथ दर्द होता है, सर में भी इसमें आपके दर्द होगा। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई भी दिमाग से संबंधित कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ को आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके माइंड पर प्रेशर आएगा। तो इसमें ये सिम्टम्स आते हैं, और इस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये बीमारी जो है अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, दिमाग से संबंधित किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, सर्जन के पास जाएं, ENT वालों के पास जाएं, कान वालों के पास, वो आपकी बात को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें हम आपको इलाज दे रहे हैं, हम इसमें एक अप डाउन करते हैं, अपनी हम दवाई चलाते हैं, पहले महीने में आपको 60-70% इसमें लाभ होगा, आपकी हवा नहीं भरेगी, सर में दर्द नहीं होगा, और आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मात्र 3-4 महीने का ट्रीटमेंट होता है इसका, और इसमें आपकी ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये जो अप डाउन जो होती है इसके अंदर, इसमें हमें आपको बता दूँ, हर हफ्ते अप डाउन होती है, और ये 3 महीने में 12 बार ये अप डाउन होती है। और ये सिम्टम्स जो होता है, ये यूस्टेशियन ट्यूब का
ठीक हो जाता है और ये जो ट्यूब जो अकड़ जाती है वो सिम्टम्स गायब हो जाता है और हवा आपके सर में नहीं भरेगी, कान में आपके दर्द नहीं होगा, सर में आपके दर्द नहीं होगा और इसमें क्या होता है आँखों पर भी प्रेशर आ जाता है, आँखों में भी लालीपन आ जाता है। तो इसलिए ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें परहेज मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि कोई इसमें परहेज का कोई इसमें बताने का लाभ नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा ठंडे पानी से आप दूर रहें, कोई भी चीज़ इसमें आप खा सकते हैं, कोई भी इसमें परहेज नहीं है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और जिनको ये प्रॉब्लम्स है अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठंडे पानी से आपको दूर रहना है। अब मैं वीडियो समाप्त करूंगा, आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।